गुरुग्राम की युवती से बागपत में गैंगरेप हुआ है। तीन युवकों पर गैंगरेप का आरोप लगा है। युवती से जबरन न्यू डांस कराने का भी आरोप है। फेसबुक फ्रेंड ने बनाया शिकार। साथियों के साथ मिलकर गैंगरेप किया गया है। पीड़िता ने पुलिस से शिकायत की है। गुरुग्राम की युवती से बागपत में गैंगरेप हुआ है। युवती को मेडिकल के लिए भेजा गया है। थाना बिनौली क्षेत्र की ये वारदात। तीन युवकों पर गैंगरेप का आरोप लगा है। साथियों के साथ मिलकर किया गैंगरेप। एक महिला आई थी, उनका ये कहना था कि कोई एक व्यक्ति जो थाना बिनौली क्षेत्र का रहने वाला है, उनको अपने घर लेके आया था और उनके साथ दुर्व्यवहार किया है। उनकी शिकायत पे हम लोगों ने इमिडिएटली FIR दर्ज कर ली है और बाकी जो विधिक कार्रवाई की जा रही है। देखिए, जिनके जो लोग उसमें नामजद थे, जिनके बारे में बताया गया था कि जिन्होंने इस तरह से उनके साथ व्यवहार किया है, उन दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। हाँ, एक भावना सिंह सिसोदिया नाम की लड़की आई थी जो कि गैंगरेप विक्टिम है। उसका हमने मेडिकल बना दिया है और उसकी जांच और रिपोर्ट पुलिस को सौंप दी गई है। तो गुरुग्राम की युवती से बागपत में गैंगरेप हुआ है और इस पूरे घटनाक्रम में अब देवेंद्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए। देवेंद्र, इन जिन युवकों पर गैंगरेप का आरोप लगा है, पुलिस क्या उनकी खोजबीन कर रही है? गिरफ्तारी में आए हैं कोई भी? जी खुशबू, जिस तरीके से पूरा मामला रहा, इस पूरे प्रकरण को पुलिस बड़े गंभीरता से लेते हुए, खुद रात के समय देर रात में जब एक्शन SP खुद थाने पहुंचे थे, इस मामले को खुद रीड कर रहे हैं और तफ्तीश का पूरा मामला देखा जा रहा है कि अगर युवती कहां से आई है, कैसे लिखा है, क्योंकि युवती के बहुत गंभीर आरोप है तीन युवकों पर कि उसको तमंची के बट पर लेकर है और जो उसके साथ अभद्रता की, उसके साथ अश्लील डांस भी उससे कराया, मतलब कुल मिला के यह है, उसके साथ गैंगरेप किया। जितनी हदें होती हैं लगभग उतनी पार के उसने जितने भी गंभीर आरोप लगाए, युवती ने तो गंभीर आरोप लगाए। इसमें एडिशनल SP ने तुरंत ही तीन टीम गठित करके दो युवकों को तो पहुंचा है और उनको जेल भेजने की या उस मामले की पूरी तैयारी में जुटे और एक युवक जो है वो फरार है, उसकी तलाश में जुटी हुई है खुद को। बिल्कुल, एक युवक फरार है, दो की गिरफ्तारी हो गई है। देवेंद्र, बड़ा जो है ये कदम है पुलिस का भी और गंभीरता से लेते हुए पुलिस। और पीड़िता की हालत क्या बनी हुई है देवेंद्र? जिस तरीके से पूरा मामला रहा, पीड़ित कहीं ना कहीं सदमे में है और उसको मेडिकल के लिए भेजा जा रहा है, उसका मेडिकल हो रहा है और उसके परिजन भी आ चुके हैं और गंभीर फिलहाल उसकी अवस्था बनी हुई है, लेकिन वो कुछ भी अब बोल नहीं रही क्योंकि रात के समय तो बोल पाई थी, अपना दर्द बता दिया था, लेकिन अभी हालत उसकी ठीक नहीं है। बिल्कुल, और देवेंद्र कहीं ना कहीं देखिए साथियों ने मिलकर ये गैंगरेप किया है। बने रहिए आप हमारे साथ देवेंद्र। ASP हमारे साथ जुड़ गए हैं, रणविजय सिंह, बहुत बहुत स्वागत आपका भारत समाचार पे। सर सर, दो आरोपियों को आपने धर दबोचा है, एक युवक फरार है, इसके बारे में क्या जानकारी मिल पाई है? जितने नामजद जो अभियुक्त हैं उसमें अरेस्टिंग जिनकी हो गई है, उसके अतिरिक्त जो लोग हैं उनकी खोजबीन के लिए हम लोगों ने टीम में लगा दी है। बहुत जल्दी उनको भी हम हिरासत में लेके पूछताछ करेंगे, एविडेंस देखेंगे, कितनी इन्वॉल्वमेंट है उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल। और सर, क्या पीड़िता की क्या हालत बनी हुई है, क्या उन्होंने पूरा स्टेटमेंट दे दिया है आप लोगों को? हाँ, सभी अधिकारियों ने उनसे पूछताछ की थी, उसके बाद उनका मेडिकल हुआ और मेडिकल के बाद उनको संभवतः अपने घर चली गई है जी। और उसके बाद बाकी चीजें हम लोग और भी एविडेंस जो भी कनेक्टेड एविडेंस है रहे हैं सबको हम कलेक्ट कर रहे हैं जी। और उसके आधार पर उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी जी। सर, जो एक युवक फरार बताया जा रहा है उसके बारे में क्या पता चल पाया है? क्या जो पीड़िता है उन्होंने सब कुछ बता दिया आपको उनके बारे में, तो कुछ आसानी हो पाया आप लोगों के लिए? देखिए, उसमें कुछ और भी नाम हैं और इस पूरी घटना के पृष्ठभूमि में कुछ और बातें भी हैं। हम एक एक को एक एक के फैक्ट्स को वेरीफाई कर रहे हैं और उसके हिसाब से जो भी कार्रवाई होगी, जो भी अपेक्षित होगी, हम जरूर करेंगे उसमें। जी बिल्कुल। सर, क्या लगता है सर कितना समय लगेगा, क्योंकि काफी गंभीर आरोप लगाए गए हैं युवती के द्वारा? देखिए, हम लोग विद इन नो टाइम हम लोगों ने उनको जो आरोपी थे उनको हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है जी। और जो बाकी लोग हैं उसके लिए लगातार सुबह शाम हमारी टीम काम कर रही है जी। और हम लोग बहुत जल्दी उनको अरेस्ट कर लेंगे। सर, जिन लोगों दो लोगों की गिरफ्तारी में क्या उन्होंने संलिप्तता स्वीकार कर ली है अपने इस पूरे मामले में? अब उसमें पूछताछ की जा रही है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम आपसे अभी शेयर नहीं कर पाएंगे जी, बट पूछताछ हुई है और एविडेंस हमको मिल रहे हैं जी। इंतजार रहेगा सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो रणविजय सिंह ASP बागपत के, जिनका ये कहना कि जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई उनसे भी पूछताछ हो रही है और जिनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है उनसे